Welcome back to my channel guys and I'm fine and thank you so much for all your love and support in my last videos. और मुझे पता है ये वीडियो लेट आ रहा है बट क्या बोलूँ, आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच. आई मीन लास्ट वीडियो एक था नुसरत जी का, उस पर 1 लाख व्यूज़ आए हैं आप लोगों की वजह से. थैंक यू सो मच. एंड बहुत जल्द 9000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं तो मैं फिर से लाइव आऊँगी. और जल्दी से 10000 सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं एक डांस भी प्रिपेयर करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है. सो आई एम रियली एक्साइटेड. तो आज मैं अगेन आ गई हूँ नुसरत जी की एक वीडियो लेके. और ये जो वीडियो है इसका सॉन्ग का नाम नहीं लिखा है इसमें, इसमें सिर्फ लिखा है बेस्ट कवाली ऑफ नुसरत फ़तेह अली खान. मतलब आई डोंट नो विच सॉन्ग इट इज़, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गोइंग टू रिएक्ट टू इट. मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इसमें, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा. इसमें 9 मिलियन व्यूज़ हैं और प्लीज़ इस वीडियो पर भी आप अपना प्यार दीजिएगा और 1 लाख व्यूज़ कर दीजिए. आई विल बी वेरी हैप्पी. और सब्सक्राइब करिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जस्ट लेट मी सेट माई लैपटॉप. और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब. अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी वीडियोस का. सो ये रहे मेरे वीडियोस, 15 मिनट का वीडियो है, लेट्स सी व्हाट इट इज. ओके, सो बेस्ट कवाली ऑफ नुसरत फतेह अली खान HD स्टार्ट्स हियर. अखियां उड़ीक दिया. ये देखा हुआ लग रहा है. आई थिंक आई हैव सीन, आई एम नॉट श्योर, यू टेल मी. नहीं 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 देखा तुम. ये वो है राहत फतेह अली खान जी के फादर. इंग्लिश सबटाइटल्स, वाओ. सॉरी ਸਾਡਾ ਜੂਣਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਜਦਾਈ ਮੇਰੇ ਲੂਨੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਤੂੰ ਬਾ ਵਜਦਾਈ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀ ਆ ਦਿਨ ਵਜ ਮਾਰਦਾ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀ ਆ ਸੀਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਜਾ ਪੜ ਦੇਸੀਆ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ हमारा तो बेस्ट ही है और लोगों का रिएक्शन इज ओह माय गॉड, दिस ही ओह माय गॉड, हम सामने नाच रहे हैं. ओह माय गॉड, मे बी आई वुड हैव पक्का नाच के सामने ना. राहत जी देखे उसमें लोगों की साउंड नहीं थी, इस वाले में है एंड आई लव इट. यू कैन सी पीपल आर एंजॉयिंग सो मच.
हेडफोन्स लगा के तो I love it. लोगों को देख के मुझे भी डांस करने की इच्छा हो रहा है। इसको कह सकते हैं पुराने जमाने का कॉन्सर्ट, पर विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स और विदाउट एनी लाइटिंग, सिंपल बट टैलेंट ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा वो सिंगर है, he's so happy, पैर पड़ के गए उनके। जो आवाजें है ना सीटियों की, तालियों की, बता रही है लोगों का। वीडियो के बाद बात करें। राहत जी है कि आवाज मुझे पहचान में आ गई बचपन वाली। हाय हाय गया खुशियां रुस गया जावे भूल गया।
I'm so happy right now. My God. Oh my God. कि आँखों में passion दिल passion. कैसे बोल सकते हैं ये बिना सांस लिए. कहीं देखा है ये? I don't remember. पागल हो जाते हैं लोग. Yeah, I got all around.
लग रहा है मैंने शायद ये देखा हुआ है, नॉट श्योर, बट विदाउट द ऑडियंस वाला देखा है। बट इट्स वर्थ इट, कितनी बार देखो उतना कम है। कैसे गए हैं आई डोंट नो, ठीक है 15 मिनट लगा ही नहीं, इतना मेस्मराइजिंग था ये। नाउ आई विल टेल यू इसको बेस्ट क्यों कहा गया है। देखिए नुसरत जी हैं, ठीक है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जी हैं, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जी हैं, उस्ताद राहत जी के फादर हैं, ठीक है, आई थिंक हिज नेम आई फॉरगॉट, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जी हैं, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जी हैं, ठीक है, ये तो हैं ही, फिर नुसरत जी के फादर हैं और सॉरी राहत जी के फादर हैं। उसके अलावा आई विल टेल यू व्हाट मेक्स दिस वीडियो मोर स्पेशल, वो है लोगों का रिएक्शन। आई मीन इसके पहले मैंने जितने भी नुसरत जी के वीडियोस देखे हैं, उस्ताद नुसरत जी के वीडियोस देखे हैं, उसमें किसी में भी लोगों का रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उनका फेस रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ था पर जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और इसमें सीटियों की आवाज़, तालियों की आवाज़, हूटिंग की आवाज़, साथ में गाने की आवाज़, इतना ऐसा लगता आप कॉन्सर्ट में, और हेडफोन लगा लो आप हेडफोन लगा लो और आपको ये लगेगा आप बैठे हो वहाँ कॉन्सर्ट में बैठे हो और आप साथ में इन्जॉय करो। दैट वॉज़ वाई कि मैं इतना इन्जॉय कर पा रही थी, इतना इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि आई वॉज़ लाइक ऐसा लग रहा था मैं वहीं हूँ और लोगों के साथ बैठ के मैं तालियाँ बजा रही हूँ, सीटियाँ बजा रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। इसलिए आई थिंक इसको बेस्ट कहा गया है। सो आई होप यू इन्जॉयड। मैंने बीच बीच में थोड़ा बोला, आई एम सॉरी अगर आपको पसंद नहीं है बीच में बोलूँ तो, आई एम रियली सॉरी, बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई बोलने से। सो इट वॉज़ ब्यूटिफुल, आई लव्ड इट, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन जो अभी तक मैंने देखा, ये बेस्ट है क्योंकि इसमें लाइव रिएक्शन था लोगों का, जो बताता है कि वो मतलब लोग उनसे कितना प्यार करते थे, लोग उनसे कितना प्यार करते थे। बीच में एक इंसान आए थे, उनने शायद पैसे रखे, फिर उन्होंने पैर भी छुए थे उनके, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और या और राहत जी दिख रहा था वो अपनी ट्रेनिंग, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि राहत जी की ट्रेनिंग है एक तरीके से ये जो होती थी, तो या दिख रहा था कि वो साथ में कर रहे हैं। और दोनों की जुगलबंदी, आई मीन मैंने, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने ये वीडियो देखा हुआ है, नॉट विद द ऑडियंस, वन ऑडियंस वाला नहीं देखा मैंने, लेकिन वो जो शायद जुगलबंदी वाला पार्ट मैंने देखा हुआ है, आई थिंक सो, एंड आई लव्ड इट। या आप बताइएगा आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला टाइम कैसे चला गया। अभी देखिए मेरी एनर्जी भी हाइप्ड अप हो चुकी है, क्योंकि ये इतना एनर्जी वाला सॉन्ग था, इतना एनर्जी वाला। और मतलब जब भी वो आ जा तेनू अखियां उड़ीक दिया वाला जो पार्ट आता था ना, तब तो लगता था बस खड़े हो जाओ और नाचने लगो। आई कैन अंडरस्टैंड जो पीपल वहाँ, जो लोग वहाँ खड़े होकर नाच रहे हैं ना, मैं समझ सकती हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा था। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई रियली इन्जॉयड इट, थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग, आई लव्ड इट एंड आई होप यू ऑल इन्जॉयड इट। प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, मेरा रिएक्शन पसंद आए। ओरिजिनल वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप ओरिजिनल वीडियो इन्जॉय कर सकते हैं हेडफोन लगा के मेरा, बिना मेरी बकबक से। ओके, सो या हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय।